टेंट एरन के हेल्थ सेक्शन में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं की डाइट लिस्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन क्या आप जानती हैं जब एक औरत माँ बनती है तो उसके शरीर में कितने सारे बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान महिला को अपने खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त जो महिला खाती है वही उसके कोख में पल रहे बच्चे के विकास में मदद करता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आप अपनी डाइट में शामिल करके प्रोटीन की मात्रा को सही रख सकती हैं। नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में मांस और सब्जियां दोनों ही लिया जाता है। कभी भी आपको किसी एक चीज़ से सारा प्रोटीन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें खानी पड़ेंगी ताकि आप सभी ज़रूरी पोषक तत्व पा सकें। बीन्स। बीन्स में सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड पाया जाता है, जो होने वाले बच्चे के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। आधा कप पके हुए काले राजमा, चने, नेवी बीन, ऐसे ही कई और तरह की बीन्स में आपको काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। आप बीन्स को सलाद, मीट और सूप के साथ भी खा सकते हैं। अंडे। अंडे अमीनो एसिड से पैक होते हैं और बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को सही रखते हैं। अगर आप एक बड़ा अंडा खाएंगी तो आपकी बॉडी में 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ज़रूरी पोषक तत्व युक्त नाश्ते के लिए आप पालक जैसी कुछ हरी सब्जियों के साथ अंडे की भुर्जी भी खा सकती हैं। कॉटेज चीज़। आधा कप कॉटेज चीज़ में 14 ग्राम प्रोटीन होता है। कॉटेज चीज़ एक हर तरह का पनीर होता है जो पचाने में काफ़ी समय लेता है, इसलिए इससे प्रेग्नेंट महिलाओं की मांसपेशियाँ भी खुलती हैं। एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अच्छी तरह पका हुआ पतले लाल मीट में फैट काफ़ी कम मात्रा में होता है। टर्की चिकन प्रेग्नेंट महिलाओं को अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्रदान करता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल tenterent.com और दबाएं बेल आइकन ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें।